हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। घंटों की क्लास मिंटो वाली सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में दिए जाते हैं, जो आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा में ये ट्रेन चलने वाली जो हाइड्रोजन फ्यूल से आधारित होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस केंद्रशासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए एक महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुदुचेरी या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लद्दाख गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, जिसका नाम है पानी माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले हार्ट फेल्योर बायोबैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केरल में ये शुरू किया गया, जिसका नाम है हार्ट फेल्योर बायो बैंक, ये नया शुरू किया गया। वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, बताना है फ्रेंड्स कि वो कौन है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी पत्रकार या फिर ऑप्शन डी गायक। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर या फिर ऑप्शन डी आईआईटी रुड़की। फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी मद्रास ने ये शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 50। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 50 लाख रुपये घोषणा किए देने की, जो कांस्य पदक विजेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी यजुवेंद्र चहल, ऑप्शन सी पोलार्ड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स एंडरसन जो है तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, जो टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी देवेंद्र झांझरिया, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि देवेंद्र झांझरिया ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल लाया टोक्यो ओलंपिक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक मेडल लाया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अमेरिका ने सर्वाधिक मेडल जीता है, जिसमें 39 गोल्ड मेडल है, और अगर चीन की बात करें तो उसके पास 38 गोल्ड मेडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको NEP बोलते हैं, 2020 को लागू किया है। आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।
Thank you.